18 करोड़ में कोहली को रिटेन करो, 4 करोड़ में यश दयाल को रिटेन करो, बाकी सबको भाई ऑक्शन में जाने दो या फिर किसी और को भी रिटेन करना चाहिए। आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। विराट कोहली के साथ कौन से रॉयल चैलेंजर्स होंगे जिनको आरसीबी की टीम रिटेन करने वाली है या आरटीएम यूज करने वाली है, पॉसिबल रिटेंशन के बाद ये भी देखेंगे कि कितना क्या पर्स बच सकता है। आज के इस आईपीएल 2025 रिटेंशन स्पेशल वीडियो में आरसीबी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं और पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अर्चित जैन, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे बिना रिटेंशन कोई शक नहीं है, कोई दावा नहीं है, विराट कोहली किंग कोहली रिटेन होने चाहिए 18 करोड़ में। पहला रिटेंशन विराट कोहली का आएगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्लेयर्स की, तो आपको जो सेकंड स्लैब है वो 14 करोड़ का देखने को मिलेगा, थर्ड स्लैब 11 करोड़ और उसके बाद फिर 18 और 14 करोड़ के दो स्लैब और हैं। बट आई थिंक आरसीबी जो चौथा और पांचवा स्लॉट है 18 करोड़ 14 करोड़ का वहां तक नहीं देखने वाली, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा प्लेयर और नहीं है जिसको आप 18 करोड़ में रिटेन करोगे। किसको दोगे भाई? कैमरन ग्रीन को थोड़े कम पैसे में भी आप रिटेन कर सकते हो, चलेगा। तो 18 और 14 करोड़ का जो चौथा और पांचवा स्लैब है आरसीबी को वहां पर नहीं देखना चाहिए। बात करते हैं स्पेसिफिकली 14 करोड़ और 11 करोड़ के स्लैब्स के लिए। तो 14 करोड़ के स्लैब के लिए मैं तीन नाम देता हूं, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज और कैमरन ग्रीन। एक एक करके बात करते हैं। मोहम्मद सिराज की बात करें तो मोहम्मद सिराज इंडिया के लिए अच्छा करते आ रहे हैं और आरसीबी के लिए ओवर द ईयर्स पेस बोलिंग पूरी लीड कर रहे हैं भाई, बोलिंग अटैक लीड कर रहे हैं, अच्छे बॉलर है, रिटेन होना चाहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही उसमें। मेरा ओपिनियन ये है कि मोहम्मद सिराज को आपको वापस से लेना चाहिए, बट 14 करोड़ थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। 11 करोड़ में मोहम्मद सिराज मान भी जाएंगे, मेरे को नहीं लगता भाई कोई इशू होने वाला है। मोहम्मद सिराज ऑक्शन में भी जाएंगे तो आपको 10 या 11 करोड़ रुपए में उनके ऊपर आरटीएम करना पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता भाई कि इससे कम में मोहम्मद सिराज आपको 6-7 करोड़ के आसपास मिलते हुए बिकते हुए दिख जाएंगे। तो मोहम्मद सिराज को आप डेफिनेटली रिटेन करो। 11 करोड़ का जो थर्ड ऑप्शन है वो मोहम्मद सिराज के लिए होना चाहिए। 14 करोड़ की बात करें स्पेसिफिकली तो आरसीबी के पास बचता है ऑप्शन कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने पिछला सीजन भले ही जितना भी बुरा खेला हो बट मैक्सवेल आरसीबी के लिए अच्छा खेले हैं। 2022 हो गया, 23 हो गया, अच्छा खेले हैं भाई। 3 साल 2021 भी उनका सीजन अच्छा गया था और मैं डेफिनेटली ये चाहूंगा कि ग्लेन मैक्सवेल वापस से आरसीबी में आए, रिटेंशन से आए, आरटीएम से आए, बायबैक से आए, जैसा भी हो, बट आईपीएल 2025 में मैं वापस से चाहूंगा कि ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी की जर्सी पहनते हुए आपको दिखे। तो आपको क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना कि ग्लेन मैक्सवेल को वापस आना चाहिए आरसीबी में कि नहीं आना चाहिए। बट 14 करोड़ ग्लेन मैक्सवेल के लिए ज्यादा हो जाएंगे, तो 14 करोड़ के लिए आपके पास एक ऑप्शन बचता है कैमरन ग्रीन का। तो कैमरन ग्रीन को आप रिटेन कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछला सीजन आपके लिए अच्छा खेला था और विद द बॉल भी बात करें ना, तो विद द बॉल उन्होंने मेरे को और ज्यादा सरप्राइज किया था। अच्छा करी थी उन्होंने बॉलिंग की, एज अ ऑलराउंडर वो अच्छा खेले थे, बड़े बड़े हिटे मारते हैं, छक्के मारते हैं, सेंचुरी भी आई थी, बट वो मुंबई इंडियंस के लिए आई थी भाई, पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ। ट्रेड के बाद आरसीबी के लिए सेंचुरी तो नहीं आई थी बट एक कैमियो वगैरह की जो पारी होती है 17 बॉल में 30 मार देना, 15 बॉल में 30 मार देना, वो कैमरन ग्रीन ने ठीक करा था, अच्छा करा था। मिडिल ऑर्डर में आपको करते हुए वो भी दिख सकते हैं। तो आई थिंक कैमरन ग्रीन 14 करोड़ में रिटेन हो सकते हैं। मैं इसीलिए वीडियो के सबसे शुरू में मैंने यही बोला कि अगर आप सिर्फ 18 करोड़ में विराट कोहली को रिटेन करते हो ना तो भी इनफ होगा, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनकैप्ड प्लेयर में खैर यश दयाल आपको 4 करोड़ में रिटेन होते हुए दिखेंगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप जो सेकंड स्लैब देखते हो 14 करोड़ का, वहां पर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है भाई कि जो 14 करोड़ पूरा का पूरा डिजर्व करे। कैमरन ग्रीन मिनी ऑक्शन में गए थे 17.5 करोड़ रुपए में, बट उसके अलावा अगर मेगा ऑक्शन की भी बात करें ना तो कैमरन ग्रीन हो भी सकता है कि थोड़ा कम में चले जाए। हो सकता है भाई कि कैमरन ग्रीन 9 या 10 करोड़ में मिल जाए, बट अब नया आरटीएम का रूल आ गया है तो हो सकता है अगर आरसीबी आरटीएम यूज करे तो जिस भी टीम ने बोली लगाई है वो 14 करोड़ तक ले जाए या 15 करोड़ तक ले जाए। तो ऑन अ सेफर साइड आई थिंक पहला रिटेंशन 18 करोड़ में विराट कोहली का होना चाहिए, सेकंड रिटेंशन 14 करोड़ में कैमरन ग्रीन का होना चाहिए और थर्ड रिटेंशन 11 करोड़ में मोहम्मद सिराज का होना चाहिए। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा चौथा रिटेंशन 4 करोड़ में आपको यश दयाल का एज एन अनकैप्ड प्लेयर देखने को मिलने वाला है, कोई शक नहीं है। यश दयाल ने अच्छा किया होने वाले है। आरटीएम कार्ड की बात करें तो एक आरटीएम कार्ड होने वाला है विल जैक्स पे और एक होने वाला है रजत पाटीदार पे। विल जैक्स देखो बात ऐसी है कि विल जैक्स को आप 14 या 11 करोड़ रुपए नहीं दे सकते और विल जैक्स ऑप्शन में भी आएंगे तो आपको 5 या 6 करोड़ रुपए में एट मैच मिल जाएंगे, क्योंकि अभी एक लेटेस्ट न्यूज यही निकल कर आ रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो सकता है कि जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं
उनको मिड सीजन या बीच आईपीएल में वापस बुला सकती है। ऑक्शन में नाम तो देना पड़ेगा क्योंकि बीसीसीआई ने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स दे दिए हैं कि अगर आप ऑक्शन में नाम नहीं दोगे तो अगले सीजन भी आप नहीं खेल पाओगे, तो इसीलिए ऑक्शन में तो नाम आने वाला है, विल जैक्स का नाम विल जैक्स ऑप्शन में होंगे। बट वही बात है कि विल जैक्स हो सकता है आपके लिए पूरा सीजन नहीं खेले, और सारी टीमें ही ये देखने वाली है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे थ्रू आउट द सीजन, तो पॉसिबली विल जैक्स आपको 6 या 7 करोड़ रुपए में, या मैच टू मैच भाई मैं लगा के चलूं तो 8 या 9 करोड़ रुपए में मिल जाएंगे। 9 करोड़ रुपए में आप विल जैक्स के ऊपर आरटीएम लगा सकते हो। फर्स्ट आरटीएम ये हो गया, एक और आरटीएम आपके पास बचा है वो होने वाला है रजत पाटीदार का। देखो अब रजत पाटीदार 11 करोड़ में थोड़ा ज्यादा रिटेंशन हो जाता है जो मोहम्मद सिराज को मैं दे रहा हूं, तो वहां पर रजत पाटीदार आप ऑप्शन में खरीद सकते हो। ऑप्शन में रजत पाटीदार अप्रॉक्स 7 to 8 करोड़ इसमें आ जाएंगे। रजत पाटीदार आपको 10 करोड़ से ज्यादा तो बिल्कुल भी जाते हुए नहीं दिखने वाले, ऐसा मेरे को लग रहा है, मेरा अनुमान है, बट ऑप्शन डायनेमिक्स काफी डिफरेंट है। हो सकता है ये आरसीबी आरटीएम यूज करे और उसके बाद फिर प्लेयर का प्राइस बढ़ा दे दूसरी टीम, वो एक अलग सिनेरियो बन जाता है। बट आई थिंक रजत पाटीदार आपको 7 to 8 करोड़ मैक्स टू मैक्स वो भी 9 करोड़ रुपए में आपको मिल जाएंगे, तो 9 करोड़ पे विल जैक्स पे आरटीएम लगा दो, 9 करोड़ पे विल जैक्स के अलावा आप रजत पाटीदार पे आरटीएम लगा लो। ये मैं बिल्कुल मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ भाई, हो भी सकता है कि ये 6 या 7 करोड़ रुपए में प्लेयर आपको मिल जाए। इसके अलावा एक प्लेयर मैं बिल्कुल से बाय बैक करवाना चाहूंगा, वो है ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल आपको हो सकता है भाई 10 करोड़ के नीचे मिल जाए, 8-9 करोड़ जितना भी होता है मैक्सवेल को बाय बैक करो भाई, मैक्सवेल चाहिए बिल्कुल टीम में। और फाइव डुप्लेसिस आ जाएंगे यार वापस, फाइव डुप्लेसिस आपको इस ऑप्शन में कम में देखने को मिलने वाले हैं, लगभग 4-5 करोड़ 5 करोड़ एट मैक्स हो सकता है। इसके अलावा प्लेयर्स तो आपके पास बहुत सारे, अनुज रावत है, विजय कुमार वैश्यक है, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप वापस से बाय बैक कर सकते हो। तो ये मेरी कुछ पॉसिबल आरसीबी के लिए रिटेंशन होने वाली है, 18 करोड़ में विराट कोहली, 14 करोड़ में कैमरन ग्रीन, 11 करोड़ में मोहम्मद सिराज, और इसी के अलावा 4 करोड़ में आपको यश दयाल देखने को मिल जाएंगे। ये पॉसिबल रिटेंशन 47 करोड़ रुपीज की होने वाली है, तो इन टोटल आपको 73 करोड़ रुपीस का पर्स मिल जाएगा। उसके बाद आप आरटीएम यूज करो बिल्कुल से, 9 करोड़ तक बिल्कुल से जाओ विल जैक्स के ऊपर, फिर 9 करोड़ तक रजत पाटीदार हो गए, और इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल और फाइव डुप्लेसिस को भी आप बाय बैक कर सकते हो। वो देखते हैं सिनेरियो कैसा क्या होता है, इन चारों में से किसी पे आरटीएम लगा दो, किसी को बाय बैक कर लो, वो वक्त बताएगा। बट ये मेरी कुछ पॉसिबल रिटेंशन से आरसीबी के लिए और आरटीएम पिक्स है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता देना। मेरी तरफ से आज की ये वीडियो थी, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। प्ले बोल्ड, बाय बाय।